Okay. Hey. एवरी वन ब्लॉक के स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को ब्लॉक इंट्रोडक्शन पता होने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज बहुत लोगों को एक्चुअली अभिजाना शकुंतला के बारे में पहले से पता भी होगा पर बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा तो जिन लोगों ने अभी तक नाम भी नहीं सुना है इवन आपको पता नहीं होगा कि पूरे ब्लॉक में होने क्या वाला है तो आपको वो ब्लॉक इंट्रोडक्शन से ही पता चलेगा एंड काइंड ऑफ अ समरी मिल जाएगा सो ब्लॉक वन ऑफ दिस कोर्स ऑन इंडियन क्लासिकल क्लासिकल इंडियन लिटरेचर विल बिगिन विद कालीदास बेस्ट नोन संस्कृत प्ले अभिजाना ओके सो क्लासिकल इंडियन लिटरेचर में स्टार्ट ही करते हैं कालिदास के बेस्ट नोन संस्कृत प्ले अब जाना शकुंतला से ये एक संस्कृत प्ले है जो कालीदासन ने लिखा है विच टेल टेल्स द टेल ऑफ अ यंग गर्ल रेज इन अ हेमिटेज बाय अ सेज एंड हु इज एक्चुअली द डॉटर ऑफ एन एक्सट्रीमली लर्न सेज विश्व एंड अ सेलेस्ट्रियल डांसर मेनका ओके सो ये वाला जो स्टोरी है वो शकुंतला पे है और शकुंतला जो है एक यंग गर्ल है जो हमिटेज में रहती है विथ सेज कन्वा एंड सेज कन्वा जो है वो उसके फादर है एंड सेज uh, कन्वा की वो एडॉप्टेड डॉटर है वो रियल बेटी है विश्व मित्रा की और मेनका की किंग दुष्यंता हमिटेज एज हिज डॉटर आफ्टर बींग अपित्रा एंड मेनका फॉर वेरियस रीजन ओके okay, सो so दुष्यंता जो होते हैं वो किंग होते हैं एंड वो फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए आए हुए होते हैं इसीलिए वो जब हमिटेज में आते हैं तो वो शकुंतला से मिलते हैं जो किंग हामिट की बेटी होती है कनवा की वो रियल बेटी होती है विश्वमित्रा और मेनका की ही कम्स टू दामिटेज अन अबर्न कमांडर एंड फॉल्स इन लव विद शकुंतला ओके सो जब वो हमिटेज में आते हैं अन शकुंतला को देखते हैं सो ही फॉल्स इन लव विद शकुंतला शकुंतला एंड द किंग गेट मैरिड इन द हमिटेज एंड शी इज़ व चाइल्ड ओके सो जब शकुंतला और किंग जो होते हैं वो हमिटेज के अंदर ही अपनी शादी कर लेते हैं ही हैज़ टू लिव फॉर हीज किंगडम बट ही कीव्स शंकुंतला ही सिग्नेटरिंग एज अ टोकन ऑफ हिज टोकन ऑफ हिज लव टू हर ओके सो जब वो किंगडम वापस जाने के लिए होते हैं क्योंकि उनको कुछ काम होता है तो वो जब जाने के लिए होते हैं तो शकुंतला को वो अपना एक सिग्नेट रिंग दे के जाते हैं टोकन ऑफ लव हाउ एवर एज फेट वुड हैव इट शकुंतला इज लॉस्ट इन थॉट्स ऑफ द किंग वाइल्ड दुर्वासा ऋषि इज लैंड सेंट विद एन एक्सट्रीम टेम्पर इज कॉल्ड आउट टू शकुंतला ओके सो ऋषि दुर्वासा जब आए हुए होते हैं और वो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं तो वो जब गुस्सा होते हैं वो सबको कर्ज़ देते रहते हैं तो जब शकुंतला दुष्यंता के बारे में सोचती रहती है तो वो पूरी तरह के से खोई हुई होती है एंड दुर्वासा ऋषि को वो अच्छे से सेवा नहीं कर पाती है और उसकी के ख्याल में खोई हुई रहती है सो so, जो दुर्वासा ऋषि हैं उसको कर्ज दे देते हैं शी ऑब्वियसली डज़ नॉट हियर हिम एंड इरीटेटेड बाय हर लैक एज रिस्पॉन्स ही कर्सेज हर सिंग ओके सो वो इरीटेट हो जाते हैं बिकॉज वो बात नहीं सुन रही होती है एंड वो ऑफकोर्स ख्याल में खोई हुई होती है तो वो बहुत ज़्यादा इरीटेट कर चुकी होती है दुर्वासा ऋषि को एंड दुर्वासा ऋषि जो है उन्होंने उसको कर्ज दे दिया होता है यू हु डू नॉट नोटिस मी अर्ड ऑफ मैरिज स्टैंडिंग एट योर डोर स्टेप बिकॉज यू आर लॉस्ट इन थाट्स ऑफ वन to the exclusion of all else, you should, you shall be lost in thought, thought uh, though you caught his memory hard, he shall fail to remember you, even as a man drunk remembers not. Thereafter the tale he told before. Okay, so जब वो uh, curse दे देते हैं, because वो doorstep में खड़े होते हैं और वो सुनती ही नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं and uh, उसको कर, शकुंतला को दुर्वासा ऋषि कर्ज दे देते हैं When द गर्ल्स एट द हमिटेज plead विथ हिम ही मॉडिफाइज his कर्ज एंड टेल्स शकुंतला that द किंग विल रिमेंबर हर when ही सीज द रिंग ओके सो जब मतलब बाकी की दो गर्ल्स होती हैं अनस्या एंड प्रियम वदा जो शकुंतला की फ्रेंड्स होती हैं तो वो भाग के आती हैं एंड वो प्रे करती हैं करऋषि दुर्वासा से कि आप उसको कर्ज वापस ले लो बिकॉज़ उनको पूरा रीज़न बताती हैं एंड देन ऋषि कन्वा जो सॉरी uh, ऋषि दुर्वासा जो होते हैं वो अपना कर्ज वापस तो नहीं ले सकते पर उन्होंने ये कहा कि हाँ वो वापस उसको याद तभी कर सकते हैं जब वो उसके जो उसका कुछ निशानी वो उसको दिखाएगी तब और सब लोग उस इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा रिलीफ फ़ील करते हैं बिकॉज़ वो जाते समय उसको अपना एक सिग्नेट रिंग एज अ टोकन ऑफ इस लव देकर गया था इन inevitably. एंड रोड टू Palace, शकुंतला लूजेज़ द रिंग एक्चुअली हुआ क्या होता है अनुसुईया एंड प्रियमवदा डिसाइड करते हैं कि हम लोग शकुंतला को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि जब वो कर्ज़ दे रहा होता है ना जो ऋषि दुर्वासा होते हैं तब वो कर्ज़ को भी नहीं सुनती इतनी खोई हुई होती है तो उसने कर्ज़ को सुना ही नहीं होता उसको पता ही नहीं था कि कोई कर्ज़ भी मिला था सो अनुसुईया एंड प्रियमवदा जो होते हैं वो डिसाइड करते कि उसको कुछ नहीं बताएँगे उनको ऐसा कर्ज़ भी कुछ मिला था अगर उसको पता होता तो शायद वो रिंग अच्छे से रखती या संभाल के लेके जाती या तो दुष्यंता जो होते हैं वो उसको भूलते ही नहीं क्योंकि वो रिंग अच्छे से लेके जा ले, ले गई होती है बट ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज वो अपनी रिंग को संभाल के नहीं लेके जा रही होती बिकॉज प्रियमवदा और अनुसैया उसको कुछ बताए नहीं होते कि उसको कर्ज़ भी मिला है और उसको रिंग संभाल के लेके जाना है क्योंकि अगर वो रिंग नहीं लेके गई तो दुष्यंता उसको नहीं पहचानेगा इट फॉल्स ऑफ हर फिंगर एंड इज़ फॉलोड बाई अ फिश विच इज़ कॉट एंड लेटर गटेड बाई अ फिशरमैन हु फाइंड्स अ रिंग एंड

अपने निगल लिया होता है एंड फिश को जब फिशरमैन कट कर रहा होता है तो उसको वो रिंग मिल जाता है फ़िशरमैन को एंड वो फ़िशरमैन जो होता है वो ऑफकोर्स किस को वापस देने जाए तो वो खुद ही पहन लेता है उस रिंग को एंड उसके बाद पैलेस गार्ड जो होते हैं वो देख लेते हैं कि ये रिंग तो किंग की रिंग है एंड uh, फिर उसको पकड़ के किंग के पैलेस में लेकर आते हैं मीनबाल भैन शकुंतला रीचेज द पैलेस द किंग हैज़ नो रिकलेक्शन ऑफ हर बट डिस एग्रीज टू लेट हर स्टे इन पैलेस टिल द चाइल्ड इस बॉन्ड ओके सो जब वो शकुंतला महल में जाती हैं तो उसको खुद को पता नहीं होता उसको तो लगता है कि किंग uh, पहचान जाएंगे विदाउट रिंग भी बट किंग uh, के पास कुछ टोकन ऑफ़ रिम्बरेंस था ही नहीं क्योंकि शकुंतला को ऑफकोर्स uh, कर्ज की वजह से नहीं पहचानेंगे तो शकुंतला को पहचानने से मना कर देते हैं इवन वो रुकने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कनवा की हामीटेज से आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता तब तक वो इस पैलेस में रह सकती हैं वैन द फिशर मैन इज़ बॉड बिफोर द किंग दुर्वासा ऋषिज कर्स इज़ लिफ्टेड एंड ही रिमेंबर् शकुंतला ओके okay, इसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है तो हुआ क्या था कि लाइक जो शकुंतला होती है वो उस पैलेस में रह सकती है जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता बट शकुंतला जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है दुर दुष्यंता से एंड वो कहती है कि धरती में मुझे संभाल लो एंड उसकी मम्मी जो होती है जो मेनका होती है सेलेस्ट्रियल नेम होती है उन उन्होंने उसको उठा लिया होता है मतलब वो अचानक से गायब हो जाती है उस पैलेस से उसके बाद बहुत बहुत सालों बाद फिशरमैन जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं एंड उसके बाद फिर जो दुष्यंता होता है वो पहचान जाता है कि और उसको याद आ जाता है शकुंतला के बारे में सब कुछ एंड ऋषि दुर्वासा के कर्ज के बारे में भी पता चल जाता है दे आर ओवर इवेंट्स एट प्ले बट दिस इज़ द मेन स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले ओके सो ये हाँ मतलब ये पूरा एक मेन स्टोरी लाइन है इस प्ले का प्ले में और भी बहुत कुछ हुआ हुआ होता है बहुत लंबा प्ले है तो इसमें ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन है ऐसा ही हुआ था बट uh, ये पूरा पूरा नहीं है आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा इवेंचुअली किंग दुष्यंता शकुंतला एंड देयर सन यूनिया री एंड दे रिटर्न टू द पैलेस ओके सो बहुत सालों बाद जब दुष्यंता को सब कुछ याद आ जाता है तो वो वापस उस मतलब उसको ढूंढने के लिए जाता है एंड आई थिंक एक फॉरेस्ट में उसको मिलता है विद धागा एंड उसका जो बेटा होता है वो एक धागा बांधा हुआ होता है अगर उसका धागा कोई छू ले तो वो साफ बन जाता है एंड जब दुष्यंता उसको छूता है उसको उठा लेता है तो वो जो धागा होता है वो निकल के गिर जाता है एंड सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ये सिर्फ ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब उसके ख़ुद के फादर उसको उठाए एंड उसके फादर ही थे वो तो जब शकुंतला आती है तो शकुंतला उसको रिमेंबर नहीं कर पाती है फिर थोड़ी देर बाद शकुंतला को भी याद आ जाता है कि ये दुष्यंता है एंड शकुंतला उसको माफ़ कर देती है बिकॉज वो एक कर्ज था उसमें दुष्यंता की कोई गलती नहीं थी और ना ही शकुंतला की कोई गलती थी दोनों की कोई नहीं थी नहीं तो वो रीयूनियन हो जाते हैं वापस पैलेस में चले जाते हैं सो लेट्स गो गो नाउ थ्रू द द यूनिट्स इन इन ब्लॉक ब्लॉक दिस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले ओके सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों को ब्लॉक में जाना पड़ेगा और उसको इसी स्टोरी को और भी अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा द कल्चरल ऑफ अ लॉन्ग एगो टाइम दैट मे हैव एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ मिथ्स एंड आर कलेक्टिव इमेजिनेशन ओके okay, सो so, uh, पहले कल्चरल एथॉस और एक लॉन्ग टाइम अगो का जो भी एक uh, पुराने पुराना जो निम्स होता था uh, मिथ्स होता था वर्ल्ड होता था उसको भी समझेंगे कि तब के ज़माने में एक्चुअली हम लोग खुद जा तो नहीं देख सकते बट हम लोग इस तरह के जो प्लेस वग़ैरह जब लिखे जाते थे तो उस हिसाब से हम लोग ये चीज़ इमेजिन कर सकते थे कर सकते हैं कि उस टाइम का वातावरण कैसा था वहाँ के लोग कैसे होते थे एंड उनकी थिंकिंग कैसी होती थी उनके थाट्स कैसे होते थे बिकॉज हम वहाँ पर जाके नहीं देख सकते ना ही हम लोग किसी से पूछ सकते हैं बट हमारे पास जो जो प्रूफ है हम लोग उससे सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा होता था उस टाइम का जो सोसाइटी uh, होती थी या वहाँ की थिंकिंग होती थी वहाँ का ड्रेसअप होता था ये सब हम लोग सिर्फ प्ले को रीड करके ही इमेजिन कर सकते हैं डू रीड द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द यूनिट्स

यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड कालिदास अभिजाना शकुंतला ट्रांसलेटेड बाई चंद्र राजन कॉल्ड कालिदास द लूम ऑफ टाइम ओके सो आप लोगों को कालिदासा का अभिजाना शकुंतला जो ट्रांसलेट किया था चंद्र राजन ने कालिदासा द लूम ऑफ टाइम करके सो या दिस इज़ द ब्लॉग इंट्रोडक्शन फॉर टुडे एंड कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट uh, यूनिट जो है इंडियन एस्थेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग